स्वागत, मैं हूं प्रकाश हिंदुस्तानी। आज हम बात करेंगे ईमान की कसम खाने वालों के बारे में। एक जमाना था जब हम छोटे थे, तब बात बात में लोग कसम खाते थे, पर कसम होती थी ईमानदारी की। कोई पूछता था, सच कह रहा है क्या? तो बोलता था, हाँ ईमान से। यानी ईमान की कसम खाना बहुत बड़ी बात थी। लोगों को लगता था कि उनके पास अगर ईमान बचा है तो सब कुछ बचा है, और जिसका ईमान गया वह बेईमान हो जाता था। बेईमान यानी घृणास्पद होना। कोई भी बेईमान को पसंद नहीं करता। अब मैं कंफ्यूज कि अब ईमानदारी की क्या परिभाषा बची और बेईमानी की क्या बची और ईमान की क्या बची। सबकी अपनी अपनी परिभाषाएं हो गई, सब अपने हिसाब से परिभाषाएं बनाने लगे। मेरे एक दोस्त ने कहा कि बहुत सारी परिभाषाएं ईमानदारी की है, बेईमानी की है, ईमान की है। अब जो बेईमानी करते हुए नहीं पकड़ा जाए वो ईमानदार। कोई कहता है कि आटे में नमक बराबर बेईमानी कर ली, वो ईमानदार। कोई कहता है कि जिसकी बेईमानी से किसी को कोई नुकसान नहीं हो, वह ईमानदार। तो कोई कहता है कि जिसकी बेईमानी में उसका अपना निजी लाभ नहीं हो, वो ईमानदार। मतलब जनता के लिए बेईमानी करे, देश के लिए बेईमानी करे। कोई कहता है कि विशुद्ध बेईमानी करे लेकिन ईमानदारी के साथ करे, तो वो ईमानदार। किसी से कहा कि 100 रुपये रिश्वत पे लूंगा तो 100 ही रुपये ले, 125 ना मांगे। कोई कहता है कि अगर कोई ईमानदार नजर आए वही असली ईमानदार है, बाकी कोई ईमानदार नहीं। कोई कहता है कि जो खुद बेईमानी ना करे लेकिन दूसरों को बेईमानी करने दे, वो ईमानदार है आज के दिन। तो कोई ये कहता है कि ईमानदार यानी हरिश्चंद। युधिष्ठिर को भी कई लोग बेईमान कहते हैं, तो इसमें क्या है? युधिष्ठिर ने भी तो आधा झूठ बोला था। कुछ लोग कहते हैं कि अरविंद केजरीवाल ईमानदार है। कोई मानता है कि अन्ना हजारे बड़े ईमानदार व्यक्ति हैं और उन्हें उनकी मिसाल दी जा सकती है कि अन्ना हजारे ईमानदार हैं। बहुत से लोग हैं जो कहते हैं कि वफादार होना ईमानदार। कोई कहता है कि सत्यनिष्ठ होना, सच्चाई का साथ देना ईमानदार। तो कोई कहता है कि चोरी छल कपट से दूर रहना, यही ईमानदारी बची। एक हमारे मित्र का कहना है कि जो भ्रष्ट आचरण से दूर हो वो ईमानदार है। भ्रष्टाचार छोटा मोटा तो चलता है। कई लोग कहते हैं कि कामचोर बड़े बेईमान है, क्योंकि काम चोर में भी चोर छुपा हुआ है। मैंने अपने जीवन में कई बेईमानों को देखा है, तो कई ईमानदारों को भी देखा है। कई ऐसे बेईमान देखे हैं जो ईमानदारी से बेहतर है। दूसरी तरफ कई ऐसे ईमानदार देखे हैं जिनके सामने भ्रष्टतम आदमी भी आ जाए तो वो शर्मा जाए। कुछ अफसर खुद बड़े ईमानदार होते हैं लेकिन अपने मातहतों को ईमानदार रहने के लिए मजबूर नहीं करते। उन्हें कोई फूटी आंखों भी पसंद नहीं करता। कई अफसर ऐसे होते हैं जो खुद तो ईमानदार है लेकिन दूसरों को बेईमानी से नहीं रोकते। उनकी लोग बहुत इज्जत करते हैं कि देखो कितना ईमानदार आदमी, दूसरे को बेईमानी करने से नहीं रोकता, और ईमानदार भी। बेईमान लोग सोचते हैं कि खुद नहीं खाता है तो क्या, लेकिन दूसरों को तंग तो करता है। ईमानदार सोचते हैं कि बेचारा क्या करे, खुद तो भ्रष्ट है ही नहीं, तो ऐसे में उसका क्या होगा। तो ईमानदारों की कितनी ही क्लास बन गई आजकल। एक जैसे ईमानदार, वो ईमानदार जो खुद ईमानदार है और किसी को बेईमानी भी नहीं करने। ये लोग ईमानदारों को भी संरक्षण देते हैं, ये सच्चे ईमानदार है। दूसरा ईमानदार बेईमान, जो बेईमान तो है पर बेईमानी पूरी ईमानदारी से करता है, मतलब कोऑपरेटिव मूवमेंट में भरोसा करता है, सहकारिता में मिल बैठ कर खाता है, बेईमानों से वसूली करता है और ईमानदारों को बख्श देता है। कुछ ऐसे बेईमान ईमानदार होते हैं जो खुद तो ईमानदारी दिखाते हैं पर मौका पड़ते ही चौका मारने से बाज नहीं होते। ये हैं ईमानदारों के संरक्षक होते हैं, ना ईमानदारों के संरक्षण करते ना बेईमानों का। एक होता है बेईमान वाला बेईमान, जो खुद भी बेईमानी करता है और दूसरों की बेईमानी की कमाई से बोलता मुझे भी हिस्सा ला। और एक होता है परम बेईमान, जो खुद बेईमान हो और दूसरों से भी पैसा खाता हो और तो वो ईमानदारों से भी रिश्वत खाता, ऐसा व्यक्ति बेईमान वाला बेईमान। तो ईमान की कसम आजकल कोई नहीं खाता, क्योंकि ईमान लोगों में बचा नहीं है। ईमान चला जाता है तो आदमी बेईमान हो जाता है, और ये जमाना बेईमानों के बढ़ने का है। ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा जरूर बताएं, कमेंट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और घंटा बजाएं। धन्यवाद।